और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। सपहर 3 बजे इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें खबर यह है कि महबूबा मुफ्ती उसमें हो सकती है। साथ ही साथ जो मंशूर कमेटी बनाई गई थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, सरताज मदनी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, जिस दौरान पीडीपी जो है वो अपने इंतखाबी मंशूर को लेकर, जो उनका इंतखाबी मंशूर है, एजेंडा है अगले 5 साल के लिए, वो लोगों के सामने रखेगी। और जिस तरह से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना मंशूर जारी कर चुके, तो ये तीसरी पार्टी होगी जो अपना मंशूर जारी करेगी। कई छोटी बड़ी पार्टियों ने भी अपने मंशूर जो है वो जारी किए हैं, और ये कहा जा सकता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर में दफा 370 की बहाली और 35A, क्योंकि पहले ही महबूबा मुफ्ती उसकी वकालत कर चुकी है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दफा 370 और 35A की बहाली चाहती है। दूसरा ये कि रियासत दर्जे की बहाली, यह भी एक अहम मुद्दा उसमें हो सकता है। साथ ही साथ नौजवानों के लिए रोजगार और फिर बिजली पानी सेहत के हवाले से खुसूसी पैकेज, इस हवाले से भी इस ये जो मंशूर आज जारी होगा, इन अहम मुद्दों पर इस मंशूर में बातचीत होगी। और ये कुछ अहम मामले हैं जो मंशूर में शामिल हो सकते हैं।